तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है आयस क्रांति और मैं हूं आपका दोस्त राकेश दमा और फिर से आपके लिए लेकर आया एक अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सीरियस होने वाला है, मतलब अच्छा खासा सीरियस होने वाला है, उसमें गहराई है उस टॉपिक में और जितनी गहराई तक हम जाएंगे उतने हम हमारे जीवन को जो है और काबिल बना पाएंगे और कॉन्शियसली जी पाएंगे। तो चलिए इस गहराई को समझते हैं इस वीडियो के जरिए और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी इंसान को अगर अपने लाइफ में एक्सेल करना है तो उसे चार चीज़ों के ऊपर काम करना होता है। फर्स्ट जो है वो होती है फिजिकल, मतलब बॉडी, शरीर के ऊपर काम करना होता है, शरीर अच्छा खाना खाना और बॉडी को स्ट्रांग बनाना, फिजिकल वर्कआउट करना। सेकंड जो होता है वो होता है मेंटल, मेंटल मतलब हमारे थॉट्स कैसे हो रहे हैं, हमारे विचार कैसे आ रहे हैं और हम उस सबका प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो विचारों से ही हर चीज़ें शुरुआत होती है, तो विचार कैसे अच्छे आए और हमारा स्वभाव कैसे बने उस विचारों के जरिए, तो ये मेंटल वाले का कंडीशन में आता है। थर्ड होता है इमोशनल, मतलब हमारे इमोशंस जो है वो पूरी जो कंडीशन होती है, पूरे जो थॉट्स होते हैं, बॉडी की कंडीशन होती है, इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं और हमारा लोगों से कनेक्शन कैसा है, सोशली हम कैसे हैं, हमारा बोलना किस तरीके का है, तो ये सब कुछ हमारे इमोशन को डिफाइन करता है। तो इस इमोशनल वाला जो है ये थर्ड जोन हो जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये सभी को जो चलाता है तीनों डायमेंशन को वो होता है स्पिरिचुअल जोन, जो आपका चौथा जोन होता है। तो स्पिरिचुअल में क्या आता है, तो स्पिरिचुअल में आता है आपकी सोल। जैसे कि हिंदुज़म में अगर आप देखेंगे हम हमारे बॉडी को और हमारे सोल को जो है ऐसे दो अलग अलग चीज़ समझते हैं और सोल जो होती है वो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि भगवान का जो है वो एक पार्ट है, एक अंश है उनका और वो हमारे अंदर होती है और उसके ज़रिए ही आप जैसे बोलते हैं कि मुझे मेरी दिल की आवाज़ जो है ये काम करने को बोल रही है, मेरी अंदर जो अंदर की जो कोई चीज़ है जो मुझे ये काम करने से रोक रही है, अगर आप कोई गलत काम करते होते हैं तो वही जो इंट्यूशन है, इंग्लिश में अगर हम उसे बोले अंतरात्मा की आवाज़ जो होती है, तो इसको जब आप उसकी सुनना और उसमें और नॉलेज जो है उस सोल में ऐड करना, तो ये जो है स्पिरिचुअल जर्नी के जो है उसमें आता है, स्पिरिचुअली आता है। तो चार चीज़ें मैंने आपको बताई है, फिजिकल, मेंटल और आपका हो गया इमोशनल और ये है स्पिरिचुअल। तो आज हम जो है स्पिरिचुअल के बारे में बात करेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात करेंगे, हम हमारे इंट्यूशन, हमारी अंतरात्मा को जो है वो कैसे और स्ट्रांग बना रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे और उसकी कैसे सुन रहे हैं, क्योंकि वो सबसे प्योर चीज़ है जो हमारे अंदर जो है वो वास करती है, मतलब हमारे अंदर रहती है। तो चलिए किस तरीके से स्पिरिचुअल जर्नी की जाती है और मैं किस तरीके से कर रहा हूँ और इसका UPSC में क्या फ़ायदा हो रहा है और मैं कैसे अपने आप को एक अच्छे काबिल इंसान बनने की तरफ लेके जा रहा हूँ इसे समझते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में हम जो है हमारे साथ है श्री कृष्ण, तो सबसे पवित्र जो ग्रंथ आता है हिंदुज़म में वो आता है भगवद गीता। तो ये जो है कॉपी है श्रीमद् भगवद गीता की, जिसमें 18 चैप्टर है और 700 श्लोक है, तो 700 वर्सेस इसमें है, तो 18 चैप्टर 700 श्लोक से ये जो पूरी भगवद गीता है वो बनी हुई है। तो यहाँ से आप किस तरीके से भगवद गीता पढ़ी जाती है वो भी हम देखेंगे और हमें किस तरीके से इसका जो है हम ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो भी जो है मैं नोट्स कैसे बना रहा हूँ। तो UPSC की पढ़ते पढ़ते अब मुझे नोट्स भी बनाने की आदत जो है वो पड़ गई है, तो कुछ जो पढ़ता हूँ जो एकदम दिल को भा जाता है, पूरी भगवद गीता ही भा जाती है, बट उसमें से भी और जो कुछ निकलता है स्पेशल जो दिल को लग रहा है हमारे स्वभाव के हिसाब से अलाइन होता है, तो वो सब भी हम यहाँ नोट्स में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर भगवद गीता जो है जैसे हम खोलेंगे तो सबसे पहले जो पहला अध्याय है वहाँ पे पहला वर्ड जो है वही आता है कुरुक्षेत्र। तो ये जो वर्ड है ये जो है आज इसी को लेकर हम डिटेल जो है डिस्कस करने वाले हैं और हम जो है आज हमारे रूम का नाम जो है नामकरण करने वाले हैं एक तरीके से। तो हम हमारे रूम का नाम मैं बहुत दिन से सोच रहा था, इतनी मेरी UPSC प्रिपरेशन की जो रूम है वो बनी है तो कुछ ना कुछ मेरे रूम का नाम भी हो, तो फाइनली वी गॉट दिस नेम कुरुक्षेत्र। तो ये नाम हम हमारे रूम का, स्टडी रूम का रखने वाले हैं। तो क्यों मैंने ये नाम सजेस्ट किया, क्यों मैं ये नाम रखना चाहता हूँ, चलिए इस बुक के जरिए, भगवद गीता के जरिए जो इतना महान ग्रंथ है उसमें से उसका रेफरेंस मैंने लिया है। तो आप अगर फर्स्ट पेज में ही जो भगवद गीता का अध्याय एक का फर्स्ट पेज है उसमें ये लाइन अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखने मिलेगा कि जैसे आपको बेसिक अगर पता हो तो महाभारत जो है वो कुरुक्षेत्र जो है इस प्लेस में हुआ था और ये जो प्लेस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए
महाभारत के वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय के वार्ता इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। मतलब भगवद गीता जो है, इसका उपदेश जो है वो युद्ध स्थल मतलब कुरुक्षेत्र में दिया गया। और इन डिटेल जब मैंने ये पूरा श्लोक यहाँ से और इसके पीछे यहाँ तक पढ़ा, तो इसमें ये निकल के आया कि युद्ध स्थल जो है वो कुरुक्षेत्र था और वहाँ पर इस युद्ध को लड़ा जाना था। बट कुरुक्षेत्र ही क्यों? क्योंकि उल्लेख जो है यहाँ पर, जो इवन स्वर्ग में जो रहते थे निवासी, उनका भी ये तीर्थ स्थल पृथ्वी पर एक तरह का है। मतलब सबसे पवित्र स्थान अगर हम पाएंगे पृथ्वी पर तो वो है कुरुक्षेत्र। और यहाँ से अगर देखा जाए तो पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर क्या असर पड़ेगा, तो ये एक क्वेश्चन जो है मुझे स्ट्राइक किया। मतलब जितना स्थल पवित्र होगा उतना जो है युद्ध जो है वहाँ पर जो सत्य होगा उसकी विजय होगी। तो इसी कारण से हम जो है हमारे रूम को, क्योंकि हम यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैं भी ट्रूथ को फॉलो कर रहा हूँ, मैं मेरे हर कार्य को जो यहाँ कर रहा हूँ, हर प्रिपरेशन को पूरे दिल से कर रहा हूँ और हर बात का ध्यान रख रहा हूँ कि मेरे से किसी चीज़ की गलती ना हो, मोरली जो है मैं सही रहूँ। तो जैसे ही आप देख सकते हैं, ये हमने नाम जो है प्रिंट करके लाया है कुरुक्षेत्र, इसे मैंने A4 फोटो पेपर पे प्रिंट किया है और इसकी लैमिनेशन जो है मैंने कर दी है। और आज से हमारा ये पूरा जो स्टडी रूम है वो भी जो है आप देख सकते हैं, ये हमारा स्टडी रूम का सेटअप है। तो ये आज से कुरुक्षेत्र मेरे लिए कहलाएगा, क्योंकि अब जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम में पिछले 4 साल से इसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ और अब हम इस स्टेज में है, हम एकदम एडवांस स्टेज में आ गए हैं हमारे प्रिपरेशन के, जहाँ हमारा सिलेबस जो है ख़त्म होने पर है, हमारे जो कंसेप्ट है वो इन डेप्थ है और पूरी तरीके से हम एग्ज़ाम देने के लिए जो है वो तैयार है। तो इस फेज में आकर ऐसा लगता है कि अब यूपीएससी मेरे लिए अब एग्ज़ाम नहीं रही, इट बिकेम अ वे ऑफ माई लाइफ। मतलब मेरे लाइफ का जो है वो एक पार्ट बन चुकी है, वो जो पूरा सिलेबस है वो एक पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि मैं बस इसी चीज़ के लिए जो है हमने जन्म लिया था। तो एक जब पूरा नॉलेज आप गेन कर लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस पूरी चीज़ें कवर करता है, आपका हिस्ट्री सिविक्स जो है पॉलिटिकल साइंस से लेके ऐसे पूरे सब्जेक्ट्स जब कवर हो जाते हैं जो ह्यूमन एक्सपेक्ट मतलब एक इंसान को जानने चाहिए, और ऊपर से भारत देश में रह रहा है तो उसे बिल्कुल जानना चाहिए क्योंकि यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, यहाँ इतनी विविधता है। तो अब ये जो है एग्ज़ाम भी थोड़ा जो है वो एग्ज़ाम, अब मैं इसे सोचता ही नहीं हूँ, अब ये मेरे लिए एक तरह का एक युद्ध है और इस युद्ध को मैंने अलाइन किया है महाभारत के युद्ध से। और अब जो है हमें गाइडेंस चाहिए, स्पिरिचुअल हमें चाहिए गाइडेंस जो है, क्योंकि एक काम जो है आप अकेले नहीं कर सकते। मतलब अगर आप सोचे किसी भी खुद की लड़ाई है और आप अदर फैक्टर्स को छोड़ दें जो हमारे आजू बाजू हो रहे हैं, मतलब आजू बाजू रहने वाले हमारे लोग, उनका स्वभाव, फिर उनका स्वभाव से पड़ने वाला हमारे ऊपर असर, और उससे फिर जो है हमारी साइकोलॉजी जो है वो कैसी बनती है, और उसके बाद फिर जब हम ये 1-2 साल प्रिपरेशन करते हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो तब भी उस चीज़ों का, मतलब मैं बताने का मीनिंग है, अदर फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे प्रिपरेशन को। तो इन फैक्टर्स को संभालने के लिए जो है आप ऐसा सोलोली नहीं बोल सकते कि मैं चाह रहा हूँ इस यूपीएससी प्रिपरेशन को पास कर लूँ तो मैं पास ही कर लूँगा। तो अदर फैक्टर्स के लिए हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है हमारे, तो इसलिए हमने जो है भगवद गीता जो है उनका इतनी जो है बुक का जो है वो सहारा लिया और हमारे जर्नी को श्री कृष्ण के साथ उनके शरण जाकर उनके गाइडेंस में जो है जो भी यहाँ उपदेश भगवद गीता में दिए गए हैं उनको अपने थॉट के साथ अलाइन करके जो है सॉरी उन उपदेशों के हिसाब से खुद के थॉट्स को अलाइन करके जो है इस प्रिपरेशन को और प्योर और पावरफुल जो है बनाने के लिए हम ये जो है जर्नी वो स्टार्ट किए हैं। तो ये होता है भगवद गीता का इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में, आप इस तरीके से ले सकते हैं अगर आप एक स्टूडेंट है। तो अब मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन किए इस वीडियो में, तो थोड़े अगर आप अच्छे से थोड़ा थोड़ा इसे समझे तो बिल्कुल आपको एक क्लियर कट जो है एक मैसेज मिलेगा। तो सीधा सिंपल अगर मैं 2 लाइन में बोलूँ तो 4 चीज़ें थी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। तो हमने ये स्पिरिचुअल जो डोमेन है
उसे जो है इस तरीके से मैं मेरे प्रिपरेशन में स्ट्रांग कर रहा हूँ। फिजिकल के लिए आप वर्कआउट करिए, उसके लिए हमारे पास इसी रूम में जिम का सामान, हम जो है अभी एक जिम बना रहे हैं, तो आप देख सकते हैं शायद आपको दिखे डंबल वगैरह यहाँ रखे हुए हैं, तो मैं आपको वो डंबल वाला या फिजिकल एक्सपेक्ट मैं कैसा कर रहा हूँ स्ट्रांग वो एक वीडियो में बताऊंगा। सेकंड, जो मैंने आपको बताया कि मेंटल जो है उसे हम कैसा सीधा कर रहे हैं, हमारे ब्रेन के थॉट्स को कैसे अलाइन कर रहे हैं, ये भी जो है मैं आपको सेपरेट वीडियो में एक बताऊंगा। और थर्ड एस्पेक्ट जो है सबसे एक अलग ही अच्छा है, अलग ही इंपॉर्टेंस रखता है, वो इमोशनल, उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो ये था वीडियो जो है स्पिरिचुअल के ऊपर में, और कैसा लगा, कुछ अलग तरीके का अगर कुछ चीज़ आपको पता चली हो, एक डेडिकेशन पता चला हो, एक पैशन दिखा हो, तो आप इस वीडियो को जो है लाइक करिए और हमारे साथ हमारे इस युद्ध में, इस कुरुक्षेत्र में साथ दीजिए। तो चलिए अब इस नेम प्लेट को हम हमारे जो है रूम के डोर पे जो है वो लगाते हैं, और अब से जो है एक नई जिंदगी, नई दुनिया, नई रूम, और उसमें एक अलग लेवल की, नेक्स्ट लेवल की एनर्जी के साथ हमारी प्रिपरेशन को जो है आगे बढ़ाते हैं। हाँ, हम बैठे थे, ये हमारी रूम है, और मैं जो डंबल्स की बात कर रहा था वो ये है यहाँ पे रखे हुए, और 15 मिनट में रोज़ यहाँ बैठता हूँ। हम जो है स्पिरिचुअल मतलब भगवद गीता 15 मिनट पढ़ते हैं, ये हम जो टाइमर है वो यूज़ करते हैं यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं, जैसा मैं 15 मिनट्स के लिए बैठना होता है तो यहाँ 15 मिनट्स काउंट डाउन में लग जाता है। ये सब कुछ प्रोडक्ट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सबकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके बाद हमारे रूम में जो है सबसे पावरफुल मंत्र जो है वो यहाँ लगा हुआ है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोलते बराबर ही जो है दिमाग में एकदम जो है प्योरिटी की जो लहर है वो दौड़ पड़ती है। ये हमारा कुछ स्टडी सेटअप है, यहाँ पर हम बैठते हैं, और ये हमने टेबल बनाया है, इसका भी वीडियो जल्द आने वाला है। ये मैंने कैसे बनाया, ये हमने घर में ही यहाँ पे बनाया है, खुद से खुद की एनर्जी लगाकर ये चीज़ें बनाई है। और उसके बाद ये सेकंड रूम है जो आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर मैं रहता हूँ, और ये है हमारा मेन गेट। तो चलिए यहाँ पर हम जो है अब हमारा स्टिकर जो है लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं हमने हमारे रूम पर, हमारे मेन डोर पर नेम प्लेट लगा दी है, हमारे रूम का नाम लिख दिया है कुरुक्षेत्र, और ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, और देखते बराबर एक इम्प्रेशन दिमाग पे पड़ रहा है कि अब जैसे हम एंटर करेंगे इस रूम में, तो हमारा जो कार्य है, जिस काम के लिए हमें बनाया गया है इस पृथ्वी पे, वो बिल्कुल अब मेरे आपको लगता होगा मेरी टोन भी जो है एकदम, मैं एकदम वो जो महाभारत है और जो है ऐसी ही लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ जैसे उस टाइम में बात करते थे। तो जैसे एंटर करेंगे रूम में, तो हमारे हम युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, एक पावन भूमि है ये, और यहाँ पर हमें हमारी प्रिपरेशन दिल लगाकर, मन लगाकर करनी है। और साइड में देखेंगे आप, हमने छोटा सा हमारा प्यारा सा एक मंदिर बनाया हुआ है, मैं यहाँ पर लाइट शुरू कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। और इस रूम में भी, इस मंदिर में भी हमारे यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो विराजमान है, और आप देख सकते हैं ये युद्ध जो है उस टाइम का जो रथ है जिस टाइम में उपदेश दिया जा रहा था वो यहाँ पर दिखाया गया है, और यहाँ पर अर्जुन जो है उन्हें यहाँ पर गाइड करते हुए जो है ये पूरा रथ जो है महाभारत का सबसे आइकॉनिक पॉइंट वो मोमेंट इस प्रतिमा में आपको झलकता दिख रहा है। और हमें यहाँ से सीखने वाली बात यह है, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने ये प्रतिमा क्यों बुलाई है, जिस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे जो घोड़े हैं उन्हें आपको आपके सेंसेस समझना है, आपकी इंद्रियां समझना है, और उन्हें आपको जो है कंट्रोल रखना है। तो जैसे यहाँ पे लगाम जो है दिख रही है श्री कृष्ण जी के हाथ में है, तो उसी तरीके से हमें हमारे सेंसेस को, आप बुरा ना देखें, बुरा ना बोले, बुरा ना जो है वो चीज़ें करें, तो वो सेंसेस को कंट्रोल रखना है। तो अपने आप आपका जो सोल होती है, जो दिमाग होता है, वो सब कुछ शांत हो जाता है, और आप अपने प्रिपरेशन को मन लगा के पूरी तरीके से कर पाते हैं। और हमारा जो ये सपना है एक दिन ज़रूर पूरा होगा, हम भारत सरकार में सर्व करेंगे। जैसे अब हम यहाँ से एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं बाहर डोर पर ही काफ़ी अच्छा ये लग रहा है। लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, बड़े दिल से श्रद्धा के साथ ये वीडियो बनाया है, एक विश्वास के साथ वीडियो बनाया है, तो ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक करिए। और
आपको यहाँ से किसी भी जो मैंने मंदिर में जो भी ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इवन मंदिर जो बेल है, जो भगवान की प्रतिमा है, वो सब कुछ मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। तो आप भी को भी अगर ये चीज़ें जो है मूर्तियाँ जो है लेनी है, मंदिर लेना है, तो इसकी भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और आपको अगर ये आइडिया यूनिक लगा हो, भाया हो दिल को, तो इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके हमें बताएं। तो चलिए, ख्याल रखिए, आप अपने लाइफ में भी आपका युद्ध जो है उसे पवित्र बनाएं, और उस युद्ध में आप जरूर जो है विजयी हो, विक्ट्री हासिल हो आपको, और आपके सपने पूरे हो। तो चलिए, ख्याल रखिए, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।